गुड आफ्टरनून क्लास 6 आईसीएसई। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज को। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि फोर्थ चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं कि डिविजिबिलिटी चेक करेंगे किसी भी नंबर की। जैसे कि अगर हमें चेक करना हो, अभी फ़िलहाल में समझ लीजिए, अगर हमें चेक करना हो डिविजिबिलिटी टू चेक डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर नंबर बाय 10। अगर हमें चेक करना है कि जो कोई भी गिवन नंबर है कि वो 10 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसको चेक कैसे करना है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल विथ 10 इफ द नंबर एट यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर एट यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर नंबर इज जीरो इज जीरो। अगर जीरो है यूनिट प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है वो अगर जीरो है तो कोई भी नंबर हो वो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो सीधी सी बात है 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने ये जान लिया कैसे अगर 10 की से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, अगर हमें चेक करना हो डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी हो, हमें 10 की जगह पर किससे चेक करनी है, दूसरा हमें चेक करना है 5 से, तो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी 9 का तो आपको बताया नहीं गया है, फिलहाल में जो बताया गया है उसी पे बात करेंगे। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको समझना चाहिए कि अगर कोई नंबर है जो कि दिया हुआ है, इफ एनी नंबर एंड्स विथ जीरो जीरो और फाइव जीरो और फाइव कोई एक है, देन दैट नंबर इज कंप्लीटली 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 डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई फाइव। अगर कोई भी नंबर है उसके एंड में मीन्स की यूनिट प्लेस पर अगर 1 0 दिया है या फिर 5 दिया हुआ है तो सीधी सी बात है वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एंडिंग मीन्स यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर जो है नंबर क्या रहेगा आपका 0 या 5 रहना चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कैसे होगा, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। तो 2 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो चेक करिए जरा डिविजिबिलिटी 2 से, तो एनी नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8
देन दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई टू। अगर ये कहते हैं आखिरी के यूनिट प्लेस में मीन्स वंस प्लेस में या तो जीरो दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है या फिर एट दिया हुआ है, तब वह नंबर कम्प्लीटली पूरी तरह से वह नंबर जो है टू से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा जो नंबर हैं अगर वो है एंड पोजीशन पे या फिर हम कहें यूनिट प्लेस पर, तब टू से डिवाइड नहीं होगा। आइए और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगला दिया हुआ है क्या, डिविजिबिलिटी चेक करना है किससे, फोर से, ठीक है। तो एनी नंबर, फिर वही बता रहे हैं, एनी नंबर हैविंग मोर देन टू डिजिट्स वी कैन चेक देयर डिविजिबिलिटी वी कैन चेक दैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय फोर और नॉट, बाय फोर और नॉट। By only dividing last two digit by four, last के दो digit अगर हम चार से divide कर देते हैं, divide करके check करते हैं, तो हमें ये प्रतिउत्तर मिलता है कि अगर वो लास्ट के दो डिजिट जो हैं, चाहे वंस और टेंथ पोजीशन पे जो दो डिजिट हैं, अगर वो चार से डिवाइड हो रहे हैं, तो सीधी साधारण सी बात है कि वो कंप्लीट नंबर भी चार से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमने डिविजिबिलिटी देख लिया, टू से फोर से सभी चीज़ें देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे होगा। तो अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि चेक करो ये डिविजिबल हैं फोर से कि नहीं, ठीक है। तो नंबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है 350736। सीधी सी बात आपको पता है, आपको 36 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, फोर से। आपको पता है फोर की टेबल में 36 आता है, 49 या 36 हो जाएगा। तो मीन्स ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है किससे, फोर से। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें, आपको लगे कि हाँ ये टेक्निक गलत हो सकती है, तो आप फिर भी चेक करना चाहें, तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 350736 डिवाइडेड बाय फोर, डिवाइड करिए तो हो जाएगा 4 8 जा 32, 3 बच गया, 4 7 जा 28, 2 बच गया, 4 6 जा 24, 3 बच गया, 4 7 जा 28, 28 5 बच गया, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा, 1 बच गया, हो जाएगा लास्ट में 16।
तो 4 4 जा 16, ठीक है, 87684 जो कि डिवाइड हो रहा है 4 से। तो आपको ये आंसर मिल गया कि अगर अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जस्ट आपको क्या करना है, लास्ट की दो डिजिट मीन्स वंस प्लेस और टेंथ प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको आपको डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। अगर डिविजिबल हो रहा है तो आपका आंसर सही है, मीन्स ये कम्प्लीट नंबर डिविजिबल होगा 4 से। चलिए आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8, इसको नोट कर लीजिए। एट की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? एट की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर शुड हैव ग्रेटर देन 3 डिजिट्स, 3 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लास्ट 3 डिजिट को डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 8। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको आखिरी के जो 3 डिजिट हैं, अगर 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर है तो उसको 8 से डिवाइड करना है और चेक कर लेना है डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं चेक आपने देख लिया, अब बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। अभी जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9 और 11 और देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, 7 का भी आप देख लीजिए, डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या है, फिर आप आराम से जो है, आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको हम बता देंगे तो आप उसे देख लीजिएगा। ये देखते हैं, थ्री के डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो 3 कैन बी डिवाइडेड बाय 3, सॉरी बाई का बाई नहीं है, बाई 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इज नंबर इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो कैसे पता करेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन सभी नंबर्स को डिजिट्स को आप जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे, कितने से डिवाइड करोगे आप, 3 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 से। चलिए अब 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस किससे
क्या कहते हैं, 9 से नहीं है। क्या करना है, बस यहाँ पे 9 कर देना है और यहाँ पर भी 9 कर देना है। कितना, 9। मीन्स कि अगर आपको चेक करना है, कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है 9 से, अगर उसके जो डिजिट्स का सम है 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। किससे, 9 से। आप आराम से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, फिर समझते हैं आगे क्या बता रहे हैं। अब डिविजिबिलिटी चेक करना है 11 से। 11 से कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो 11 में क्या है, इलेवन में क्या करना है कि जो ऑड प्लेसेस में नंबर हैं उनका सम करो और जो इवन प्लेसेस हैं उनका सम करो। इसका एक उदाहरण दे देते हैं, और सभी में तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि दिया हुआ है एक नंबर 5 7 3 2 4 3, 5 7 3 2 4 3, ठीक है, ये एक नंबर है। अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड है। लेकिन हम ऑड प्लेसेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लेस देख रहे हैं, तो ये इवन प्लेस पे है, नहीं, ऑड प्लेस पे है। ये भी ऑड प्लेस पे है, ये भी ऑड प्लेस पे है। इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, ये है, ये है, ये। तो दोनों का सम करना है और डिफरेंस निकालना है, ठीक है, दोनों का सम करना है और डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, तो चेक करते हैं। इवन में से आपको डिफरेंस निकालना है, चलिए आइए देखते हैं। तो करते हैं पहले ऑड प्लेसेस का सम करते हैं। ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर हैं, ऑड प्लेसेस में 3 है प्लस, उसके बाद कौन है, 2 है प्लस, उसके बाद कौन है, 7 है। ओके, तो आपने ऐड किया तो कितना हुआ, 7 3 10 और 2 12 हो गया। अब इवन नंबर का आप सम करिए, तो क्या होगा, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है, सॉरी इवन नंबर नहीं, इवन 4, ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर है आपका, 3 है, 3 है, उसके बाद कौन सा नंबर है आपका, 5 है। जोड़िए जरा क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, आपका आंसर आ जाएगा। इवन प्लेसेस में कितने के नंबर का सम क्या है, 12। ऑड प्लेसेस के नंबर का सम क्या है, 12। 12 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। 0 क्या 11 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना क्या, बहुत आसान सी बात है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से है और 3 से नहीं है, तब भी मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल है। क्यों ऐसा है, इसका मतलब आप देख लीजिए, 3 2 6 होता है, जब 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल हो ही जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और आप क्या कहते हैं, डाउट्स पूछिएगा, बताइएगा जो हमें डाउट्स हों। अभी कह रहा है एक नंबर है, एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया नंबर है, आई लेन लिख लेते हैं फटाफट। नंबर दिया हुआ है 3 7 3 7 9 1 डॉट, या फिर हम बता देते हैं स्टार स्टार, कितना उसके स्टार के बाद क्या है भाई, स्टार के बाद है 3 7, कौन सा नंबर, 3 7 9 1 स्टार के बाद 5 है। अब कह रहे हैं कि चेक करो कि ये नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं, चेक बाय डिजिट सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। कह रहे हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 9 से या नहीं। तो आपको पता है 9 की डिविजिबिलिटी, आप कैसे चेक करते हैं, सभी नंबर का सम आप क्या कहते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है तो पता चल जाएगा। चलिए जोड़िए 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5, ऐड करिए कितना होगा, 9 1 10 हो गया, 10 5 15, 15 और 7 हो जाएगा
22, 22 और 3 हो जाएगा 25। सभी नंबर्स का सम कितना है? 25 है। 25 का डिविजिबल है 9 से? नहीं है। तो आप 25 में कितना जोड़ेंगे डिविजिबल हो जाए 9 से? तो आप जोड़ेंगे 2, तो 27 जो है डिविजिबल है 9 से। तो इसका मतलब जो डॉटेड प्लेस है वहाँ पे क्या है? 2 होगा। क्लियर? तो ये ऐसे कैसे पता करेंगे? सीधी सी बात है, आपके कई सारे क्वेश्चन दिए होंगे, 5 से भी पूछा हो गया होगा, 4 से भी पूछा गया होगा। ठीक है, तो आपको जब बताना है कि हाँ वो नंबर 5 से नहीं, मेनली जो है आपका 9 से पूछेंगे, 3 से पूछेंगे, इन्हीं नंबर से पूछेंगे, ठीक है, 11 से पूछेंगे। तो उसमें करना क्या है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, आपको आंसर मिलेगा कि वो डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल बनाने के लिए क्या नंबर जोड़ें या क्या नंबर घटाएं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ आप एक्सरसाइज जो है सॉल्व करिएगा, जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट हो पूछिएगा। डाउट्स आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई सारी इंफॉर्मेशंस हैं, आप डाउट उन्हीं के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आप फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। स्कूल जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हैं तो भी आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर जा रहे हैं तो सुरक्षा के साथ जाएं, दोस्तों से दूरी बना के रखें और उनसे दूर ही रहें, ज़्यादा मेल भाव करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ वीडियो को ही समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।